झारखंड की हजारीबाग से भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने पार्टी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी और प्रत्याशी की तरफ से प्रचार के लिए नहीं पूछा गया, लिहाजा चुनाव प्रचार से दूर रहा। मतदान के दिन विदेश में था, इसलिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाला। वही झारखंड के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने चुनाव प्रचार से दूरी और वोट नहीं देने को लेकर नोटिस जारी करके 2 दिन में जवाब मांगा था। बता दें, जयंत सिन्हा ने अपने जवाब में यह भी लिखा है कि उन्हें मीडिया के जरिए इस नोटिस की जानकारी मिली। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर भी सवाल उठाए हैं। वही एक्स पर 2 पेज की चिट्ठी पोस्ट करके उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी भी कार्यक्रम की उन्हें जानकारी नहीं दी गई, किसी बड़े आयोजन के लिए निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए चुनाव प्रचार से दूर रहे। वही 29 अप्रैल का जिक्र करते हुए जयंत सिन्हा ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार मनीष जायसवाल की नामांकन रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन सूचना देर से मिली। मई सुबह हजारीबाग पहुंचना संभव नहीं था। 2 मई को हजारीबाग पहुंचकर मनीष जायसवाल के आवास पर शिष्टाचार भेंट के लिए पहुंचा था, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। इसके बाद मनीष जायसवाल ने कोई संपर्क नहीं साधा, इस कारण 3 मई को वापस दिल्ली लौट गया।